गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दौरा किया। इस दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने क्षेत्र के कई जगहों पर नारियल फोड़कर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी समय में इसी प्रकार से विकास कार्य जारी रहेंगे। वो उससे लौनी के अंदर एक भावना पनपेगी और एक शानदार गेट बनने से संविधान निर्माता को एक श्रद्धांजलि होगी और जो बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जो हमने आज उद्घाटन किए हैं करोड़ों रुपए के उद्घाटन हैं, नाईपुरा के अंदर है, अभी यहाँ पंचवटी में बॉर्डर पर उद्घाटन किया है और भी कई ऐसे कार्यक्रम रहे हैं, तो ये सब जो लौनी के जो आम लोग हैं भाई बहन वो विधायक बने हैं। मैं चौकीदार बनाया हूँ तो मैं अपनी चौकीदारी कर रहा हूँ और मैं फिर आपके साथ दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग कमीशन नहीं खाते। हमसे केवल वो लोग नाराज़ हो सकते हैं कि जो लौनी को लूटना चाहते हैं और वो हम कहीं ना कहीं उनके बीच में बाधक बनते हैं। हम एक रुपया ना कमीशन लिया है, एक से लेकर के लोग कहते हैं 1 लाख तक, कोई सिद्ध नहीं कर सकता। लौनी को हमें स्वर्ग बनाना है और ये लौनी की जनता जो 16 लाख लोग हैं ये मिलकर के भाई बहन लौनी को स्वर्ग बनाने के लिए हमारे साथ चल रहे हैं कदम मिला करके। लौनी स्वर्ग बनेगी, लौनी दिल्ली से अच्छी बन चुकी है और बहुत जल्दी दिल्ली लौनी नंबर वन विधानसभा होगी हमारे देश की और उसके बाद इसको हम लंदन की तर्ज पे इसको हाईटेक बनाने का काम करेंगे। विधायक जी, अक्सर देखा गया है कि लोगों में नारियल फोड़ने के लिए एक प्रयास होता है कि हाँ हमें नारियल फोड़ने के लिए मिले और आप नारियल नहीं फोड़ते हैं, कि दूसरों से फोड़वाते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, मैं ना माला पहनता हूँ, माला भी तो नहीं पहनता मैं, ना मैं नारियल फोड़ता, क्योंकि मैं चौकीदार हूँ। सही मायने में हमें अनुसरण करना चाहिए। लोगों ने हमको इतना वोट दे करके इतनी बड़ी विधानसभा में भेजा है तो सेवा करने के लिए भेजा है, कोई बातचीत करने के लिए नहीं। दुर्भाग्य था लौनी में एक डिग्री कॉलेज तक नहीं था, आज 3-3 डिग्री कॉलेज, 8-8 गौशालाएँ, बस अड्डा, हॉस्पिटल और मेट्रो, तमाम सीवर का काम, रोड, फ्लाईओवर्स, जो ऐतिहासिक काम हुआ है हजारों करोड़ का, उसके लिए अगर मैं विधायक बन के सोचता तो मैं भी औरों की तरह मुझमें तानाशाही आ जाती। मैं भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान घमंड ना आ जाए, क्योंकि घमंड नाश का कारण है और जिसको आया है उसको भगवान ने छोड़ा नहीं है, क्योंकि आदमी का अहंकार और ओंकार का बैर है, तो ओंकार और अहंकार का बैर है तो ओंकार के सामने अहंकार नहीं ठहर सकता। इसलिए कोशिश रहती है कि मेरा ध्यान लोगों के चरणों में रहे और लौनी के भाई बहन जो मुझे मिलकर के आशीर्वाद देते हैं, मेरे बेटे को कोई कह सकता था बच जाएगा? लोगों ने इतनी पूजा तपस्या की कि डॉक्टर के मना करने के बाद वो स्वस्थ होकर के आया, तो लौनी की जनता का जो मेरे ऊपर ऋण है, इसलिए मैं उनके दम पे कहीं भी जहां बात आती है मैं लड़ाई लड़ने का काम करता हूं और इंसाफ दिलाने का काम करता हूं। और लौनी को मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं कि ये जो हमारी छोटी सी गुड़िया बहन ने कहा कि मैं अधिकारी बनूंगी, इसी तरह हमारे एक बुजुर्ग ने बाबा साहब के जो द्वार है उसका उद्घाटन किया, नाईपुरा में जो हमारी बुजुर्ग माता थी उन्होंने किया, इसी तरह से सब ने जो हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं वो लोगों ने, क्योंकि मैं चौकीदार हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, नेता लौनी की जनता है और मैं उनके लिए मुझे उन्हें जिम्मेवारी दी है तो उसको मजबूती से निभा रहा हूँ। लौनी के अंदर कोई अपराधी ना पनपे और किसी की हिम्मत ना हो कि लौनी के लोगों से 1 रुपया रिश्वत ले ले, कोई अधिकारी लौनी में टिक नहीं पाएगा और कोई अपराधी रह नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ रामराज है। विधायक जी, कल जैसे ही सोशल मीडिया पर यह चला कि आप अंबेडकर गेट का शुभारंभ करेंगे तो विपक्ष के कुछ नेता ये कह रहे थे कि आप अंबेडकर गेट के सहारे दलित समाज की वोटों पर टारगेट कर रहे हैं। और कैसी बात कर रहे हैं, कौन ऐसा आदमी लौनी में आ गया है? कल सोशल मीडिया पर कई जगह नहीं, अगर ये इस तरह की बहस कर रहे हैं तो मुझे तो आश्चर्य है। हालांकि लौनी के अंदर लोग बहुत अच्छे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मैं कितना मानता हूँ ये मेरा मन जानता है और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कोई ये इसी की केवल गेट की बात नहीं है, उनके लिए बहुत कुछ करने की अभी ज़रूरत है और बहुत कुछ हम करेंगे। और जो लोग कह रहे हैं तो वो रोक के दिखाए ना, जब जरूरत समाजवादी पार्टी में आतंक था, बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया, दिन में लड़कियां उठाई गई, दलित जाटा समाज के यहाँ लड़कियों के साथ गणेश यात्रा निकालते हुए मारपीट की गई, एक दलित बहन के साथ 2 नंबर पर गोली मारी गई, उस टाइम मुस्लिम समुदाय के सारे लोग थे और समाजवादी की सरकार थी, उस टाइम लड़ने के लिए कोई और नहीं आया था। हमने कभी वोट के लिए नहीं, दलित समाज हमारा समाज है और आज खासतौर से जो गली है ये हमारे संजय भाई वाल्मीकि हैं, ये भी वाल्मीकि समाज का ही गली है, तो दलित समाज ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उस समाज को, क्योंकि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो हमारी सोच है उस अंतिम समाज को हम आगे ले जाना चाहते हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। और मुझे एक तरफा वोट दिया है, उन्हें ये भी पता होना चाहिए और वो कितने जोर लगा लें, ये मेरा समाज है, मेरा घर है, तो ये कामयाब नहीं होंगे। लौनी के अंदर रामराज है और रहेगा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।